अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो, मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है, क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए, आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था, मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 24 का जो चुनाव आना है, ये चुनाव जो आएगा, इसमें आपने फैसला करना है किस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी बने या राहुल गांधी बने? जोर से बोले, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? उद्धव जी, आवाज सुनाई पड़ती है तो सुन लीजिए, आप वहां रहकर औरंगाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते, उस्मानाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते और अहमदनगर का नाम बदलने का भी समर्थन नहीं कर सकते। आपने महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहिए। मनमोहन सिंह जी 5 शहरों में मेट्रो छोड़कर गए थे, आज 20 शहरों में हो गई, 17 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। यहां नांदेड़ साहब है, प्रताप राव ने कहा है वंदे भारत शुरू करना, मैं जाकर जरूर रेल मंत्री से बात करूंगा। साईयों, बहनों, बताओ, ये हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग, 50,000 से ज्यादा जनमेदनी है, मुझे बताओ, सबका कोविड का टीका, कोविड का वैक्सीन का दोनों डोज हो गया है या नहीं हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हो गया है या नहीं हो गया है? एक पैसा देना पड़ा है क्या? एक पैसा देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सबको वैक्सीन दे दिया और दूसरी ओर उद्धव जी ऑफिस भी नहीं जाते थे और राहुल बाबा कहते थे तो मोदी वैक्सीन है मत लो, जब देखा कि सब लेने लगे तो रात के अंधेरे में जाकर
खुद उन्होंने टीका लगा दिया। मोदी जी ने 230 करोड़ वैक्सीन के डोज देकर भारत की जनता को कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टिकरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमला खवातीन और औरतों के दिगर इमराज नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बाद पान, बच्चा दाने की गांठों और अपेंडिक्स आनिया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावल वाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलामुअलैकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।